फ्रेंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा में निकली भर्ती के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी लेक्चरर पोस्ट की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कब से लेकर कब तक आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड बात करते हैं हमारी निकली भर्ती के बारे में, जो कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा की आपकी वैकेंसी है। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जिससे कि हमारी जो वैकेंसी है उनकी डिटेल के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखते हैं फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी है, यहाँ पे स्टेट आपका सिलेक्शन बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर की वैकेंसी, एडवर्टाइज नंबर 05/2021, ठीक है, फॉर द पोस्ट लेक्चरर नॉन गवर्नमेंट एडेड, ठीक है, कॉलेज ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इन्वाइट करते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट। आपकी 972 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट लेक्चरर डीपी पोस्ट एंड स्केल आपका पेमेंट रहेगा 44 से लेकर 1,42,000 तक, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको आवेदन करना है ऑनलाइन। यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन करने 22 तारीख से है, यानी कल से। क्लोजिंग डेट है इसकी 21/4/2021, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो उसके बारे में आप देखते हैं। यहाँ पे वैकेंसी आपको दे सकते हैं, वैकेंसी डिटेल आ रही है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, होम साइंस, IRM, PM, लॉजिक एंड फिलोसफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, आपका सोशोलॉजी, स्टैटिक्स और जियोलॉजी। यहाँ पे आप टोटल 972 वैकेंसी है, जिसमें 332 आपकी वुमेन के लिए है, ठीक है। बाकी आपकी वैकेंसी कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अधिक कैंडिडेट बिलोंग टू आपका फिजिकल डिसेबल, आप एक्सर्विजन स्पोर्ट्स पर्सन वैन सेलेक्ट एज पर द रिजर्वेशन प्रोवाइड फॉर दैम। यहाँ पे आपका आपका जो वैकेंसी है 4, 3 और 1% रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट के लिए क्या क्या आपकी कैटेगरी है, उनकी डिपार्टमेंट यहाँ पे आप दे रखे, उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे 21 से आपकी मैक्सिमम 42 होनी चाहिए 1/1/2021 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड आपका एज रिलेक्शन 5 साल आपका जो कैंडिडेट SC है और ST कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे आपका 10 साल का आपका रिलेक्शन दे रखा है जो फिजिकली डिसेबल है उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी ऑल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड शुड बी आपकी ऑन आपके 1 तारीख या उससे पहले हो जानी चाहिए कंप्लीट 2 जनवरी 2021 में। कैंडिडेट शुड हैव प्रोसेस आपका मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में या आपका रखना यूनिवर्सिटी से कम से कम 55% आपके आपके मार्क्स होने या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होने चाहिए, ठीक है। फ्रेंड 55% मार्क है आपके जनरल कैटेगरी में, जो SC है, ST है या SC BC है या फिजिकली डिसेबल है, मास्टर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने जरूरी है या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है आपको यहाँ पे अपना पता करना है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या आपके मार्कशीट तो हो सकता है उसकी डिटेल आपको निकाल के उसके 50% के बराबर होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे सकते हैं सिलेक्शन विल बी बेसिस रिटन टेस्ट, आपका कैरियर और वाइवा के हिसाब से होगा। यहाँ पे वेटेज उनका दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं लेक्चरर की मैक्सिमम आपको दे सकते हैं वेटेज 25 मैक्सिमम, PhD के 25, MPhil और नेट की यहाँ पे 10 दे रखी है। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑफ फॉलोइंग मैनर, कैरियर 25, रिटन टेस्ट आपका देखते हैं 150, वाइवा आपका होगा 25 मार्क का, तो उस तरह 200 बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन कंसर्न सब्जेक्ट, आपके कंसर्न जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से होगा। सिलेबस गिविन आपको वेबसाइट आप देख सकते हैं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी लीडिंग कॉलेज स्टेट आपके 150 मार्क होंगे, क्वेश्चन आपके 150 मार्क सेल भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में आपको 150 नंबर देंगे विद इक्वल वेटेज होगा, प्रोविजन नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते ओआरएम सीट पे एग्जामिनेशन भी 2 आवर ड्यूरेशन का होगा, 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होगा 150 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू में 3 गुना आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, आपके सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और मेरिट आर इक्वल टू 3 टाइम्स और नंबर ऑफ वैकेंसी एनी सब्जेक्ट इफ द वैकेंसी आर अबव 0.5 और वैकेंसी अप टू यहाँ पे दे रहे 10 कैंडिडेट एंड द 4 वैकेंसी। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन बोर्ड वाइवा आपका वॉइस आपका वाइवा होगा। एलिजिबल फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क आपको 40% रहेगा जो कि रिटन एग्जाम में होंगे और 30% आपको SC ST कैंडिडेट के लिए। इन केस ऑफ टाई फॉर वाइवा रिटन टेस्ट मार्क विल बी टेकन इनटू कंसीडर, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको जो आपका इस तरह की टाई होता, तो इसके हिसाब से फाइनल सिलेक्शन आपके रिटन टेस्ट और वाइवा के अनुसार ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इफ देयर इज सेकेंड टाई देन आपके जो परसेंटेज होंगे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से यहाँ पे उसे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर टाई होता है तो आपकी जो है आपकी बर्थ और डेट के हिसाब से यहाँ पे आपको किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं, रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड आपका जो कि हो सकता है आपका बहरमपुर, भुवनेश्वर, कटक, सांबलपुर, डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे आप देखते हैं आपकी यहाँ पे दे रखी है लिस्ट। आपकी जो फीस है यहाँ पे आप देखते हैं 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, और 200 रुपये फीस है SC ST कैंडिडेट के लिए रहेगी। ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो पेमेंट करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा कर रही है, यहाँ पे आप देखते हैं इसके करंट अकाउंट में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे आपको जमा करना है, ये आपका कोड आप डिटेल दे रखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो प्रोसीजर रहेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। द एप्लीकेशन कॉल फॉर वाइवा आस्क सबमिट देयर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड बिफोर द वाइवा। ठीक है, तो इसके वाइवा से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने होंगे। अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट दे सकते हैं आपको इंडियन नागरिक होनी चाहिए, आपको देखिए यहाँ पे रीड और राइट करना आनी चाहिए उड़िया फ्लुएंटली। देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है, यहाँ पे मस्ट है पास्ट आपका एटलीस्ट एग्जामिनेशन उड़िया लैंग्वेज जिसमें माध्यमिक स्कूल स्टैंडर्ड BSc इन उड़ीसा में होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इनके बारे में आपको दे रखा है। अदर कंडीशन देखते एडमिशन और रिटन एग्जामिनेशन वाइवा विल बी प्रोविजन। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको जाकर आवेदन करना होगा। यहीं से आपको डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड को, यहाँ पे आपको दे रखा है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सबमिट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन का आपको दे रखा है। हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन SC आपके देख सकते हैं, हाई स्कूल का मास्टर डिग्री, MPhil, नेट, PhD की, टू रीजन साइट पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सर्टिफिकेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो वो सब जो आपके रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है, किस तरीके से आवेदन करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड ये वैकेंसी थी आपकी स्टेट ऑफ सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा की, आपकी जो लेक्चरर की पोस्ट की वैकेंसी निकली उसके बारे में। यह वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। डेली आप लोगों को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो या नोटिफिकेशन या आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं, तो इन सबकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने धन्यवाद।